मुंबई के मलाड क्षेत्र के एसवी रोड पर बने हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में मलाड साई सेवा ट्रस्ट की ओर से मकर संक्रांति के पर्व पर एक भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। वैसे इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री एवं भाजपा नेता विद्या ठाकुर के आने की आशा थी, मगर किसी कारण से वे नहीं आ पाने पर उनके पुत्र दीपक ठाकुर ने आकर मेहमानों का मार्गदर्शन किया। हालांकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रदीप जैन के अनुसार 14 और 15 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम को मलाड, गोरेगांव, कांदीवली और बोरीवली में भी मनाया जाएगा, जिसमें करीब लाखों लोग भाग लेकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता सत्य प्रकाश की खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति का दिन आज के दिन लोग दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। इस महत्व को देखते हुए इस्कॉन टेम्पल की तरफ से फूड फॉर लाइफ का आयोजन किया गया है। हालांकि मलाड में उपस्थित है, मलाड में आयोजन के रूप में प्रदीप जैन ने इसका आयोजन किया है। उनके कार्यकारिणी की द्वारा पूरा आयोजन किया गया। आज बोला गया कि 1,11,000 लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा, करवाया जाएगा। हालांकि एक जगह नहीं, मलाड में भी है, कांदीवली में है और बनवाई में है, आरे में भी है। सब मिला के 1,11,000 लोगों को भोजन परोसने की व्यवस्था है। इस मौके पे यहाँ के उपस्थित समाज सेवक दीपक ठाकुर जी मौजूद हैं। दीपक ठाकुर जी से बात करेंगे किस तरह का आयोजन है, क्या कुछ कहेंगे प्रदीप जैन के इस आयोजन को लेके। दीपक जी, प्रदीप जैन ने जिस प्रकार का आयोजन किया है इस्कॉन टेम्पल के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा। प्रदीप भैया हमारे हर गुरुवार को वैसे तो यहाँ भंडारा रखते हैं, और जो आज मकर संक्रांति के अवसर पर इस्कॉन मंदिर के द्वारा जो भंडारा सभी जगह जो प्रसाद बांटने का जो कार्यक्रम है वो प्रदीप भैया हर चौथे साल से कर रहे हैं, और मैं सभी को और इस्कॉन मंदिर के सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खास करके प्रदीप भैया और उनकी टीम को जो ये सेवा कर रहे हैं, सतत जो सेवा कर रहे हैं। तो आने वाला समय इनका सुखमय समृद्धि में जाए और मकर संक्रांति की मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ। पर जी एक्चुअली ये ऐसे काम नेता लोग ज़्यादा करते हैं, हालांकि प्रदीप जी अभी नेता नहीं हुए लेकिन औपचारिक तौर पे किसी न किसी संस्था से जरूर जुड़े होंगे, क्या कुछ कहेंगे ऐसे काम बिना स्वार्थ के करते हैं? प्रदीप भैया और इनका पूरा परिवार, ये मलाड जो परिसर है यहाँ का बहुत पुराना परिवार है, और ये परिवार शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, अलग अलग माध्यमों से, कोई राजनीतिक या मतलब से नहीं है। बहुत परिवार इनका पुराना परिवार, बहुत बढ़िया परिवार है। प्रदीप जैन से भी बात करेंगे। प्रदीप जी बताइए कि इस तरह का आयोजन आपके मन में कैसे है और कितने सालों से कर रहे हैं, क्या कुछ रहा है आज के दिन? मैं यहाँ पे 4 साल से कर रहा हूँ, मैं हरे राम कृष्ण मंदिर के यहाँ से। आज 14 जनवरी और 15 जनवरी हर साल में दो बार हो रहे हैं। आज मेरा 6 एरिया में हो रहे हैं, बोरीवली, वसई, रिया, मरा, गोरेगांव, गांधीवरी में आज हो रहे हैं, वो कल भी होना है, कल 6 जगह पर होना रहे, वो सब मिलाकर मैं अपने हिसाब से 25,000 का खाना खिलाने का लिया हुआ मैंने। तो मेरा ये मन में है कि जब खाना मिल रहा है तो सबको क्यों नहीं दिया जाए। वो हरे राम कृष्ण मंदिर का उनका हर साल के बहुत अच्छे उनके हैं, उनका हर साल में 1,11,000 का खाना उनका खिलाना है। तो हमारे यहाँ के अच्छे दीपक जी है, हमारे बड़े भाई साहब है, वो उनकी भी हमको सपोर्ट की जरूरत है, वो हमेशा साथ दे रहे, वो बहुत अच्छे आदमी है। वो मैं यही बोला कि आप भी हमारे साथ में हमेशा साथ में लीजिए। मैं हर गुरुवार को यहाँ पे साई बाबा मंदिर है, हर गुरुवार को मैं साई बाबा का भंडारा कर रहा हूँ। मैं अभी मुझे 3 साल पूरा होना है, ये 147 पूरा हुआ है अभी मेरा, और मैं आगे चल के मैं विचार करूँ कि और भी मैं करना रहा हूँ। अभी मैंने एक विचार किया हुआ, आज ही मैंने ऐसा विचार किया है कि मैं फ्री में सेवा करूँ बस में, बाकी बस में जो गरीब से गरीब है, जो 50 साल के ऊपर के उम्र वाले है, जो उनकी कैपेसिटी नहीं है साई बाबा सीढ़ी में जाने की, तो वहाँ पे उनको लेके जाना, वहाँ पे लेके आना नासिक में, वो भी करने आ रहा हूँ मैं साल में एक बार, वो भी करने आ रहा हूँ मैं। प्रदीप जी, सुबह से अब तक कितने लोग यहाँ तक भोजन ले चुके? ये सुबह से अभी समझो मैं 800 के आसपास हो गए, 500-800 के आसपास हो गए, तो मैं 3,000 के आसपास खाना यहाँ पे होने आ रहा है, वो सबसे ये तो सुबह 11 से 4-5 बजे का मैंने कराया हुआ है। वैसे आज का दिन अन्नदान का दिन होता है, इस अवसर पे आपने किया, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कि जो गरीबी चल रही है, जो माहौल में तेरा मेरा सब चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। जो गरीब को जो खाना नहीं मिल रहा है, मैं पैसे वाला रुपया सब मेरे पास सब कुछ होकर भी एक मैं ऐसे माहौल में बना हुआ मैं कि मुझे मारी की गरीबी कैसे होगी। कभी कभी मैं प्रसाद देने जाऊंगा वो सामने कैसे हुक करेगा, तो मुझे मन में धीरे लगी, मुझे 4 साल पहले उसके मैंने मन में ले लिया कि नहीं मैं अभी सबको खाना खिलाऊंगा, बना करूंगा, कुछ भी हो जाए वो मुझे करना ही है। तो मैं ये है कि जो गरीब है वो गरीब में बने,
वो अपने ऐसा वो सामने अपने आपको नहीं समझे कि मैं गरीब हूँ, गरीब कौन भी नहीं, गरीब वो सभी है, ये अपना मन ये सब साफ होना चाहिए उसमें। चाहता जिनके कार्यकारिणी में ये सब किया हरे कृष्ण, तो हम आए हरे कृष्ण मंदिर इस्कॉन मुंबई से। सो दिस इज ये 39th एनिवर्सरी है मंदिर की, तो उसी उत्सव में संक्रांति के उत्सव में हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रसाद। सो ये कॉमन नॉर्मल खाना नहीं है, ये प्रसाद है, ना ही इनसे उनका शरीर का पोषण होगा, उनका मन का और आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। जैसे ये दिव्य प्रसाद है, और कुछ हम बांटते हैं तो उसका हमें कर्म लगता है, अच्छा या बुरा। कोई अगर शराब बांटता है तो उसे बुरा कर्म लगता है, अगर कोई खाना बांटता है तो उसे अच्छा कर्म लगता है, बट उसे वो भुगतने के लिए, वो कर्म उसको भुगतने के लिए वो वापस आना पड़ता है पृथ्वी पे, उसे स्वर्ग लोक मिलेगा या नरक लोक मिलेगा, उसे वापस आना पड़ेगा। पर ये कर्म दिव्य कर्म है, इसका आपको बहुत अच्छा फायदा होता है कि आपको भगवान कृष्ण का प्रेम मिलता है, तो ये इसके सबसे बड़ा गुण है। और बाकी सब बहुत कुछ है बांटते हैं, पर प्रसाद दिव्य है, जैसे कि मैंने बताया इनसे इनका पोषण होगा, मन का, शरीर का, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, इसलिए हमारा ये लक्ष्य है। खाली प्रसाद बांटना नहीं है, उनको भगवान का प्रेम देना है कभी। और जो एक बार, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक बार खाली भगवान का प्रसाद लेता है उन्हें जरूर 100% इंसान का शरीर मिलता है, तो ये सबसे बेस्ट थिंग है। हरे कृष्ण। आप प्रदीप जैन जी का और यहाँ के संस्था का साफ तौर पे कहना है कि ये साधारण भोजन नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। अगर भगवान का प्रसाद अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है मन और तन दोनों शुद्ध हो जाएगा। यही शुद्धता के लिए आज हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर की प्रसिद्धि है, जिस जहाँ वो चाहती है कि हर व्यक्ति के मन में भगवान वास करें और उनके मन में शुद्धता और शांति बने रहे। कैमरा पर्सन अरुण चक्र के साथ सत्य प्रकाश सोनी, NS मुंबई।